हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैट 2023 के एग्जाम डेट्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जुलाई 2023, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अगस्त 2023, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का होगा सितंबर 2023 और करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा सितंबर 2023। एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा अक्टूबर 2023 और एग्जाम डेट को कंडक्ट किया जाता है नवंबर 2023। रिजल्ट अनाउंस किया जाता है दिसंबर 2023। अभी हम केट के बारे में जान लेते हैं। केट एक तरह का, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन आईआईएम, इन मोस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए एडमिशन टॉप नॉच बी स्कूल के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन एमबीए प्रोग्राम्स। इसके थ्रू आपको जो एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा थ्रू कट ऑफ्स के थ्रू मिलता है। अगर इसके अंदर मेन जो मेन मैटर करता है वो कट ऑफ्स मैटर करते हैं। अब इसके एग्जाम का नाम है कैट, उसका जो फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.iimcat.ac.in। कंडक्टिंग बॉडी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फ्रीक्वेंसी एनुअल है। रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन होता है और एग्जाम का जो मोड है वो भी ऑनलाइन होता है। टोटल 66 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, बोले तो 120 मिनट्स। टाइप का क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, टीआईडीए क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सेक्शन है 3 सेक्शन होते हैं, वीएआरसी, डीआईएलआर एंड क्यूओए, और मीडियम में जो एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में होता है। अभी हम बात करते हैं कैट 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा। जो एलिजिबल स्टूडेंट है वही लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। और इसके अंदर नॉर्मली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, आप कोई भी स्ट्रीम से करो चलेगा, पर मिनिमम स्कोर परसेंटेज होना चाहिए 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड एनसी ओबीसी कैटेगरी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 45% मार्क्स स्कोर करनी पड़ेंगे। और अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो फॉर द अपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर द कैट, जिसके द्वारा आपको क्वालिफाई करके आप इजीली एमबीएफ के लिए एडमिशन कर सकते हो। और इसके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया, कोई भी एज के बंदे कर सकते हैं, पर मिनिमम बैचलर डिग्री क्लियर होनी चाहिए। और इसके थ्रू आपको प्रोफेशनल डिग्री सच है सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू एस पी एलिजिबल फॉर कैट एग्जाम। अब हम कैट 2023 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करें। इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है, और वहाँ पे तुमको फी पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इनका कुछ भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं किया जाता है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको सिंपली आपको डिटेल्स जो डिटेल मांगेगा आपको करेक्टली फिलअप करनी रहेगी। अगर आपको कोई भी डिटेल गलत हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो में आपको मिलता है 1 वीक का 2 वीक का टाइम मिलता है, इजिली वहाँ पे जाके अपने करेक्शन कर सकते हो और वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आपको वेरिफिकेशन कैंडिडेट, आपको अपना यूजर आईडी और यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। जब आप रजिस्टर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जब रजिस्ट्रेशन करोगे आपको यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको बाकी की जो डिटेल्स है करेक्टली आपको फिलअप करनी रहेगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में आपको सिटी मिलेगी जो आपको कौन से सिटीज में आपको एग्जाम देना और इंटरव्यू सिटी देना है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो की देनी पड़ेगी, उसका जो फॉर्मेट है .jpg और .jpeg में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा .jpg और .jpeg में होना चाहिए। अगर आप EWS, NC, OBC, SC, ST के हो तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और .pdf में होना चाहिए। PWD के लिए भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, .pdf में होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कैट का जो एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल EWS, NC, OBC के लिए 2,200 रुपये फीस है, SC, ST, PWD के लिए 1,100 रुपये फीस है। और फीस को आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना रहेगा। ये जो इनका जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। और अभी इनकी फीस की बात करें तो अगर आप एक बार पेमेंट करने के बाद आप इजीली सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। केट 2023 के एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग बात करें, इनका जो एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश मीडियम में होता है। टोटल क्वेश्चन 66 पूछे आते हैं। आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है। वीएआरसी से 24 क्वेश्चन, डीआईएलआर से 20 क्वेश्चन, क्यूए से 22 क्वेश्चन। एक सेक्शन का आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। और कुछ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू होते हैं, टीआईडी होते हैं, टाइप इन द आंसर। आपको एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स मिलता है, अगर एक गलत आंसर का आपको -1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होता है, पर टीआईडी सेक्शन में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैट 2023 के सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें, इनके जो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीएआरसी। इसके अंदर 24 क्वेश्चन, 40 मिनट्स। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, वर्बल रीजनिंग एक्सेट्रा। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, 40 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर। उसके अंदर आते हैं चार्ट, ग्राफ, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, पजल्स एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चन, 40 मिनट्स, अल्जेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एक्सेट्रा।
वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक्स है उसके अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक वर्बल एबिलिटी होता है। और इसके अंदर जो मेजर जो क्वेश्चन सेक्शंस होते हैं VARC में, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ आता है, जो MCQ में आते हैं, टाइप इन द आंसर में आते हैं क्वेश्चन में, वो अलग सेक्शन जो रिटन सेक्शन होता है उसके अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर पहले एग्जांपल और सेंटेंस ये सब आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन जो पूछे हैं वेरियस चार्ट ग्राफ और इसके डेटा रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अभी हम बात करें इनके जो लॉजिकल रीजनिंग के जो सेक्शंस होते हैं उसके अंदर आते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन पजल्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको फोकस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स ऑफ द सिलेबस, उसके अंदर आपको जो स्कूल के जो मैथ्स आपने पढ़े होंगे उसके रिगार्डिंग होते हैं, टॉपिक्स जो इंक्लूड होते हैं LCM HCF ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। जब भी रिसेंट ईयर में डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन जो होता है रिड्यूस करता है IIM में, इसके अंदर जो होता है आपको कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो डिफिकल्टी करते हैं, इसके थ्रू आपको मार्क्स स्कोरिंग करने में इशू आ सकता है। अभी हम बात करते हैं CAT 2023 का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात करें, CAT 2023 का जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा अक्टूबर के मंथ में एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा। आप इजीली वहां पे जाके अपना ID पासवर्ड डालकर अपने इजीली अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा, वहां पे जाके इजीली आप इजीली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम CAT 2023 के रिजल्ट की बात करते हैं, इनका जो रिजल्ट है दिसंबर के मंथ में इनका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनका जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा आपको हम न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, पर आपको सब्सक्राइब करके रखना रहेगा जिसके कारण हम कुछ भी अपडेट करेंगे आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।